नमस्कार। आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसमें ये हाफ के जी मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, 200 ग्राम ये शुगर है और ये थोड़ा मीठा सोडा। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। ये पहले हम ये दूध डाल देंगे, जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें शुगर डालेंगे। देखिए दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें शुगर डाल देंगे और इसको गाढ़ा होने तक, आधे से थोड़ा सा कम रह जाएगा जब ये, तब तक हम इसको पकाएंगे। फुल आंच पे पकाएं और थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे तो इसमें उफनने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये खूब उफनता है। लगातार इसको चलाते रहेंगे, नीचे लगने ना पाए, और फुल आंच पे ही पकाएं इसको। और इसको गाढ़ा होने तक हम इसको इसी तरह पकाएंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए इसे, अभी इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। तीन चार मिनट और पकाएंगे। देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे इसमें अभी हम एक चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। देखिए इतना इतना बस इतना डालना है और इसको हम फिर चलाएंगे थोड़ी देर, और लास्ट में ही बनने के बाद ही इसको डालना है। अब इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर। एकदम हल्का हो गया है ये इसको डालने के बाद, बस हम इसको गैस बंद कर देंगे। एक मिनट हो गया हमें चलाते हुए, हम इस गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा कंडेंस मिल्क बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा बना है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा।